गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास बी सेकेंड ईयर गर्ल्स। देखिए हम चर्चा कर रहे थे बीकानेर प्रजामंडल पर, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रायसेनगर में एक राजनीतिक सभा करने का निश्चय किया गया और क्या वहाँ क्या करना था, झंडा फहराना था, ठीक है। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया था, झंडा फहराने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी क्या किया था जनता ने या किसानों ने, झंडा फहरा दिया और सरकार को गुस्सा आ गया। बीकानेर के महाराजा बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो उठे और उन्होंने गोलीबारी कर दी और उन्होंने क्या कहा कि कुछ एक लोगों ने सरकारी भवन पर झंडा फहराने के नियत से हमला किया है। कहने तो गए भी हम झंडा फहराने, लेकिन उन्होंने हमला किया है, इसीलिए हमें गोलीकांड करना पड़ा, ठीक है। मतलब सरकार ने क्या किया, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन पर पर्दा डालने का प्रयास किया। भी हमने जो गोलियां चलाई है, हजारों लोगों की जो मृत्यु हुई है, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, सरकार की बदनामी हो जाएगी। अतः सरकार ने क्या किया, अपनी बदनामी को छुपाने के लिए उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया। लेकिन कहाँ छुपने वाला था वो कांड क्या हो गया, सामने आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब ये कांड सामने आ गया तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने क्या किया, ये जो कांड हुआ था इस कांड को लेकर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने गोकुल भाई भट्ट व पंडित हीरालाल शास्त्री का एक जांच कमीशन नियुक्त किया, ये जो मामला है इसकी जांच की जाए, ठीक है। तो जब ये जांच कमीशन नियुक्त किया, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, जो बीकानेर के महाराजा थे उनको झुकना पड़ा और उन्हें उत्तरदायी शासन, उन्होंने क्या कर दिया, उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा कर दी, ठीक है, कि मैं उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दूंगा, ठीक है, जनता का जिसमें उत्तरदायित्व होगा। अब जब उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा कर दी और क्या किया, बीकानेर के महाराजा ने विधान समिति व मताधिकार को लागू कर दिया, कह दिया कि मैं घोषणा कर दी कि विधान समिति और मताधिकार को लागू कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये जो सभा हुई थी रायसेनगर में, है ना, ये जुलाई में हुई थी, ठीक है। अब देखिए, अब काफी लंबे समय से क्या हो रहा था, बीकानेर में कोई भी राजनीतिक सभा नहीं हुई थी, हा? और अब क्या हो गया था, महाराजा ने 31 अगस्त को उत्तरदायी शासन की घोषणा भी कर दी, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से जो घोषणा की थी अधिकार नहीं दिए गए थे, इसमें महाराजा ने क्या करी थी, चाल चली थी। अब क्या हो गया, मई 1946 तक बीकानेर में कोई भी राजनीतिक सभा नहीं हुई थी, ठीक है। इस समय क्या आए, जो अलवर के मास्टर भोलानाथ थे वो बीकानेर आए, ठीक है, और उन्होंने बीकानेर में एक राजनीतिक सभा करने का निश्चय किया कि मैं बीकानेर में एक राजनीतिक सभा करना चाहता हूँ। देखिए अब बीकानेर में कोई राजनीतिक सभा नहीं हुई थी और मास्टर भोलानाथ ने आके राजनीतिक सभा करने की जब घोषणा कर दी, तो इसके पश्चात उन्होंने क्या कहा, घोषणा का ऐलान करने की सभा है सभा की घोषणा का ऐलान करने के लिए दो पार्टियां भेजी, ठीक है। वो दोनों पार्टियां क्या है, झंडा लेकर ऐलान करने गई, ठीक है, तो राष्ट्रीय झंडा लेकर वो ऐलान करने गई, यहाँ मैंने लिख दिया राष्ट्रीय झंडा लेकर वो ऐलान करने गई, जिसमें से एक पार्टी का तो पुलिस ने क्या किया, झंडा छीन लिया, ठीक है। और जो दूसरी पार्टी थी जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, गंगाराम, उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, तो उन गंगाराम ने क्या किया, झंडा देने से मना कर दिया, ठीक है। अब जब गंगाराम ने झंडा देने से मना कर दिया, तो पुलिस ने क्या किया, बर्बरतापूर्वक तरीके से उनसे झंडा छीन लिया, ठीक है, और उन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें क्या है, गिरफ्तार करके उन्हें कोतवाली ले जाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, ठीक है, और बहुत देर बाद उन्हें रिहा किया गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि लोगों तक इस सभा की, ये जो सभा है इसकी जो बात है पहुंचे, और सरकार नहीं चाहती थी कि ये सभा हो और लोग एकत्रित हों, ठीक है, इसलिए ये सभा ना हो, इसलिए दोनों पार्टियों के साथ सरकार ने बर्बरता का व्यवहार किया, ठीक है,
आखिर करके शाम को आजाद पार्क में क्या हुआ, सभा हुई। ठीक है, आजाद पार्क में सभा हुई और सभा में ये जो सरकार की जो बर्बरतापूर्वक नीति थी या जो शोषण किया था, ये जो मारपीट की थी, इसके बारे में बात की गई। ठीक है, कि किस तरह सरकारी इन अत्याचारों को दूर किया जाए। आजाद पार्क में शाम को फिर सभा हुई। अब क्या हो गया, अंततः महाराजा को क्या हुआ, झुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि सारा जनपद क्या हो गया था, महाराजा के खिलाफ हो गया था। और ये जो सभा हो रही थी, इस सभा में ये जो सभा थी, इसका जो मेन एम था वो था उत्तरदायी शासन की मांग। आजाद पार्क में जो सभा हुई थी, इसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जो बीकानेर के राज्य के जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने भी क्या कर लिया, इसी समय जब ये पार्क में सभा हुई, इस तरह सभा के लोगों के साथ जो बर्बरता का व्यवहार हुआ था उसको देखकर, इसी समय बीकानेर के जो राज्य के जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने भी अपना एक संघ बना लिया। ठीक है, वो भी क्या हो गई, अपने सरकार के खिलाफ हो गई। तो सरकार को ये बात रास नहीं आई कि हमारे कर्मचारी भी हमारे खिलाफ हो रहे हैं। जनता तो खिलाफ है ही है, हमारे कर्मचारी भी हमारे खिलाफ हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इन कर्मचारियों का संघ सरकार को रास नहीं आया और सरकार ने क्या किया, ये जो संघ बना था इसको भी तोड़ने का, कुचलने का प्रयास किया। इनको क्या कर दिया, सरकारी नौकरियों से हटा दिया, है ना। भी हो सकता है इनको नौकरियों से हटाएं तो ये अपना संघ वापिस से तोड़ दे, है ना। तो इनको सरकारी नौकरियों से हटा दिया, लेकिन ये संघ क्या फिर भी बना रहा। इस संघ के साथ भी मारपीट का व्यवहार हुआ, है ना। इस संघ ने क्या करनी शुरू कर दी, हड़तालें करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो मतलब अब क्या हो गया, जनमत भी खिलाफ हो गया और राज्य के जो कर्मचारी अधिकारी थे, आदि तो ये भी जनता में थे, लेकिन ये भी क्या हो गए, अब सरकार के बिल्कुल ही खिलाफ हो गए। ठीक है, तो जो बीकानेर राज्य था उसकी स्थिति क्या हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, तो अब ऐसी खराब स्थिति में अब सरकार को ये लगने लग गया कि सब हमारे खिलाफ है, अब फिर से कोई कार्यवाही ना हो जाए। ये तो वो काम हो रहा है कि आग तो जल रही है, सब तो खिलाफ है, कोई और भीड़ ना डाले, कोई और सभा ना हो जाए जिससे जनता और ज्यादा उत्तेजित ना हो, लोग इकट्ठे ना हो। इसके लिए बीकानेर के महाराजा ने या बीकानेर की सरकार ने क्या किया, बीकानेर में धारा 144 लगा दी गई। ठीक है, धारा 144 मतलब सभा नहीं होगी और ज्यादा एक जगह ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। ठीक है, अब धारा 144 लगा दी गई। ठीक है, और जब तक धारा 144 लगी रही, बीकानेर में कोई भी राजनीतिक सभा नहीं हुई। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया, अप्रैल 1947 तक ये धारा 144 लगी रही, कोई सभा नहीं। अप्रैल 1947 में जैसे ही धारा 144 हटी तो क्या हुआ, सभा करने का निश्चय कर लिया गया। ठीक है, और अब जो सभा हुई, ये कहां हुई, राजगढ़ में सम्मेलन बुलाया गया। और इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो कुमारानंद को इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया, या कुमारानंद के सभापतित्व के निर्देशन में रायगढ़ में ये सम्मेलन या ये राजनीतिक एक सभा फिर हुई। ठीक है, इसके पश्चात क्या हुआ उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।